अस्सलाम वालेकुम, आज संडे है, हम गाड़ियों की जो इंस्पेक्शन है वीकली वो करेंगे। सबसे पहले ये FT3 को चेक करते हैं, इसकी जो सेल्फ स्टार्टिंग है वो हो गई है, ठीक है। हाशिम भाई, ये PTO इंगेज कर दिए हैं, PTO की टेस्टिंग हो गई है कि PTO काम करता है। ये चेकलिस्ट का जो फ्रंट वाला पेज है ये इस तरह का होता है। इंडिकेटर, हाँ जी ठीक है। सायरन, थोड़ा वॉल्यूम कम रखें। हाँ बोले बोले बोले, हाँ जी क्लियर है, ओके। ये हमारा PTO टेस्ट हो गया है, हमारे सायरन टेस्ट हो गया है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम चेक हो गया है, लाइट्स चेक हो गई हैं, और फिर अभी वाटर लेवल, फोन लेवल, ड्राई केमिकल प्रोडक्ट चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो गाड़ी के अंदर एसेसरीज होती हैं वो चेक करेंगे। अब गाड़ी का जो सर्वे करते हैं, सारे हर जगह से टायरों की आवाज़ चेक करते हैं, ये ठीक है। गाड़ी की जो फिज़िकल कंडीशन है वो ठीक है, कोई चीज़ टूटी हुई नहीं है। अच्छा, आप गाड़ी के अंदर जो एसेसरीज़ हैं वो चेक करते हैं कि वो पूरी हैं और उनकी जो कंडीशन है वो कैसी है, वो उस पर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है शमाई। ये जो इसकी कैपेसिटी है 6,000 लीटर जो है इसमें अंदर वाटर है, 600 लीटर इसके अंदर फोम है, और 250 kg इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर का यूनिट है। हाशिम भाई इसकी नोज़ल चेक करते हैं, ठीक है जी। ये इसकी मल्टीपर्पज़ नोज़ल होती हैं जो उस पाइप के आगे लगाते हैं, यहाँ से वाटर ऑन ऑफ होता है, यहाँ से फोग और जेट बनता है, और ये यहाँ से इसको पकड़ते हैं। ये जो फोम नोज़ल्स हैं, ये फोम नोज़ल पिकअप ट्यूब है, अगर आपके पास जेरी कैन है तो उसके अंदर ये पिकअप ट्यूब लगाते हैं, तो प्रेशर से जब पानी गुजरता है तो वो फोम बनाता है। इसको FMBP कहते हैं, फोम मेकिंग ब्रांच पाइप। ये भी क्लास बी फायर की जब होती है तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। ये मल्टीपर्पज़ नोज़ल है, ये हाई प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये है होज़ कलेक्टर, ये पीछे से एक होज़ आ रही है, यहाँ से आप उसको डबल कर सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर रबड़ सील चेक करते हैं, रबड़ सील पे हैं, थोड़ी वेदर अफेक्टेड है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस लिस्ट के अंदर मेंशन होती हैं, और क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं फिंगर टिप पे याद हैं तो इसको जो है वो चेक करते रहेंगे और फिर चेक लिस्ट पे कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, ये ड्राई केमिकल पाउडर का यूनिट है, इसको हम इंस्पेक्शन के लिए जो है टेस्टिंग के लिए ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक दफ़ा इसको ऑपरेट करते फिर सारा यूज़ करना पड़ता है। वो तो देखिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है DCP टैंक 250 kg, स्ट्रेचर पड़ा है, वो फायर फाइटिंग सूट पड़े हैं, रोड कॉन्स पड़ी हैं, और बेलचा पड़ा है जो है, उसके अलावा CO2 का सिलेंडर है, वो एक बेल्ट है, और इसके अंदर ये हैमर हमारे पड़े हुए हैं, फायर ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी होती हैं। वो उस साइड पे हमारा जो स्पेशल LPG की हैंडलिंग के लिए
टर्न आउट गियर है वो है, और जो उसके स्पेशल हेलमेट और ग्लव्स होते हैं वो उस सेट पे पड़ा हुआ है। सामान गाड़ी की दूसरी तरफ वो चेक करते हैं। हाशिम भाई ये देख लें, पहले वाटर पंप की कंडीशन देख लेते हैं। वाटर पंप की जो नॉब्स हैं वो नॉर्मल पोजीशन पे हैं, और ये सप्लाई ऑन करके देखें सर, सप्लाई आ रही है। ठीक है बंद कर। अच्छा ये फोम वाला वैल बंद है, जेटिंग वाला वैल बंद है, ये वैल क्लोज है, पीछे से कोई लीकेज नहीं है। और ये गाड़ी के स्पेक्स हैं, इसकी जो वाटर कैपेसिटी है वो 6000 लीटर है, फोम कैपेसिटी 600 लीटर है, और वाटर्स का HL जो है वो इसके अंदर पंप लगा है, वाटर्स HL 300। ठीक है हाशिम भाई ये भी क्लियर है। वाटर होज रील की कंडीशन ठीक है, थोड़ी डस्ट पड़ी हुई है, इसको वॉश करते हैं। आज वीकली बेसिस पे हम इनकी इंस्पेक्शन टेस्टिंग मेंटेनेंस करते हैं, उसी के अंदर इसकी फिर सारी क्लीनिंग हो जाती है। हाशिम भाई इसको ज़रा प्रेस करें, ये प्रेस होता है सही, सॉफ्ट है। ठीक है ओके। इसके अंदर देखें हमारा टूल हाशिम भाई पूरा है, इसके अंदर गाड़ी के टूल हैं, व्हील चॉक्स वगैरह हैं। हाँ जी व्हील चॉक पड़े हुए हैं, कुछ गाड़ी के नेसेसरी पाने हैं वो ठीक है। इस बॉक्स के अंदर जैक है। अच्छा ठीक है करते हैं हाशिम भाई। हम मंथली बेसिस पे इनका जो एयर फिल्टर है उसको क्लीन करते हैं। ये आयल स्पिल किट है, और ये गाड़ी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हुए हैं, इनकी इंस्पेक्शन हुई है। और ये फिर वही डेल्टा प्लस का जो स्पेशल जो हेलमेट है जो LPG के हैंडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये वाली चीज़ है। ये फायर बॉल पड़ा हुआ है, आपको पता होगा फायर बॉल भी यूज़ होते हैं, ये हर गाड़ी में 4 फायर बॉल है। ऊपर कुछ स्पेशल ग्लव्स पड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन है चेकलिस्ट के अंदर, वो बाद में टैली कर लेंगे। हाशिम भाई इसमें जो SCBA है वो नहीं है, SCBA इस गाड़ी में रखा था। SCBA है इंस्पेक्शन इसकी हुई, हाँ जी मई का इंस्पेक्टेड है, और इसका जो है प्रेशर इनका देख लें, ये है इसका प्रेशर ठीक है, फुल है, फुल प्रेशर है। स्कॉट का SCBA है, ये इसलिए शॉपर के अंदर रखा है ताकि जो डस्ट है वो इसको डैमेज ना करे। हाशिम भाई बेल्ट इसके देख लें, बेल्ट शर्ट सारे ठीक है, कपल शपल कोई क्रैक तो नहीं है। ये जो होज है इसको नीचे ना रखें, सही माशाल्लाह गुड है। चलिए रखते हैं इसको पीछे। अब जो गाड़ी का वाटर लेवल है फोम लेवल है वो चेक करेंगे, और फिर इसको जो फिज़िकली एक दफ़ा ऑपरेट कर लेंगे। वैसे सर्कुलेशन पे हमने इसको ऑपरेट किया, आपके सामने PTO एंगेज किया था, तो वो गाड़ी ने सही काम किया है। इस तरह इन गाड़ियों की जो है वो वीकली बेसिस पर इंस्पेक्शन होती है, साथ टेस्टिंग भी हो जाती है, कोई इसमें कोई मैट्रिक्स का काम हो तो वो फ़ौरन उसको एक्टिफाई कर दिया जाता है। ये वीडियो बनाने की घर से थोड़ा हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ एक गाड़ी पे हम मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा सर्दी से काम करते हैं। अच्छा आप लोगों को इसके अंदर एक और चीज़ चेक, गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड भी मौजूद है, और फिर बैरिकेशन टेप जो होती है, उसके अलावा गाड़ी के शीशे साफ़ करने के लिए चीज़ रखी हुई है। ये गाड़ी के अंदर मोटोरोला सिस्टम है, वॉकी टॉकी जिसको बोलते हैं, और ये है जो आपको मेन चीज़ दिखानी है, ये एक और बैरिकेशन टेप है, ये है रेस्क्यू क्रैश किट। जो लोग गाड़ियों के इंसिडेंट में
फंस जाते हैं, गाड़ियों के अंदर फंस जाते हैं, तो फिर इसके अंदर टूल है जिससे हम गाड़ी के जो शीशे हैं उनको काट कर अंदर जो बंदे होते हैं उनको निकाल सकते हैं। ये मर्सिडीज की गाड़ी है, चेसिस इसका मर्सिडीज का है, और जो इसके ऊपर आलात हैं फायर इक्विपमेंट वो फायर एक्शन ने असेंबल किए हैं। इस तरह गाड़ियों की जो डेली चेकलिस्ट भी होती है वो हम जो अभी कर रहे हैं वो वीकली बेसिस पे है, और ये जो है वो डेली बेसिस पे है। डेली इनका वाटर लेवल, फ्यूल लेवल, वाटर फोम लेवल और बाकी बैटरी टर्मिनल की कंडीशन, होज रील्स, नोजल्स, गेजेस, पीटीओ, सायरन, ये डेली बेसिस पे इसका मीटर, हर चीज़ इस पर नोट होती है। लेकिन आप जो अभी हम जो कर रहे हैं इसके अंदर इसकी जो प्रैक्टिकल टेस्टिंग है वो भी इंक्लूड है, जबकि डेली में ये चीज़ शामिल नहीं है। तो अभी इसको ऊपर से चेक करता हूँ जाके, दूसरी गाड़ी को टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये इसके अंदर फायर बाल पड़े हुए हैं, फायर सुशर पड़े हुए हैं, ये होस पाइप रोल करने के लिए इसके अंदर रोलर है, और ये पीने वाला पानी हर गाड़ी में दो केस होते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। ये नई गाड़ी, इसके अंदर उन्होंने फायर सुशर को रखने के लिए स्टैंड बनाए हुए हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अभी इस गाड़ी को ऊपर से चेक करते हैं ऊपर इसकी क्या कंडीशन है। ये इसका मोनीटर है, इसकी मूवमेंट ठीक है, लैडर की रोप की कंडीशन ठीक है, वेदर फैक्टर नहीं है। 3, 5, 4 और ये 1, गाड़ी के अंदर जो सामान है और जो फिजिकल कंडीशन है वो हमने चेक कर ली है, फिर इसको चेक लिस्ट में नोट करना होता है। तो आप देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, व्हीकल बॉडी, वाटर टैंक लेवल, फोम टैंक लेवल, डीसीपी यूनिट, वाटर होज रील, पीटीओ, वाटर मीटर, फोम मीटर, पंप प्राइमिंग, कंडीशन ऑफ होज पाइप्स, कंडीशन ऑफ नोजल्स, कंडीशन ऑफ एक्सटेंशन लैडर, कंडीशन ऑफ सक्शन होज एंड स्ट्रेनर, फर्स्ट एड बॉक्स, इक्विपमेंट एज पर एसेसरीज लिस्ट, मेगाफोन, जो स्पेशल कमेंट्स हों वो यहाँ आएंगे, और जिसने इसकी इंस्पेक्शन की है उसका नाम, डेजिग्नेशन और उसका सिग्नेचर। फिर इस पेज पर आ जाएं, जितनी भी गाड़ी के अंदर एसेसरीज़ हैं उनकी क्वांटिटी ये लिखी हुई है, और जो मौजूदा उसकी कंडीशन है एसेसरीज़ की, जो इन्वेंट्री वो इधर लिखेंगे, जो मार्क्स हैं वो इधर आ जाएंगे। अच्छा, वाटर टैंक लेवल 100% है, फोम टैंक लेवल 100% होना चाहिए, फायर होज पाइप जो 2.5 इंच वाले हैं 100 फुट वो 6 होने चाहिए गाड़ी के अंदर, मल्टीपर्पज़ स्प्रे नोज़ल वो 8 हैं, अभी कितनी है 8 होनी चाहिए, अभी करंट में कितनी है वो यहाँ मेंशन होगी, जो कम है फिर उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे वो कम क्यों है, और उनकी जगह पे फिर नहीं रखेंगे। ये आप लिस्ट एक दफ़ा देख लें, ये हमारी अपनी चेक लिस्ट है। आपके गाड़ी के अंदर जो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से उसकी लिस्ट बना सकते हैं, हर गाड़ी की जो है वो एसेसरीज़ वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये जो बेसिक एसेसरीज़ हैं ये सारी एक जैसी होती हैं। चेकलिस्ट को फिल करना आसान है, इस चेकलिस्ट के मुताबिक आपने देखने हैं। अब नंबर 3 पे आप देखें कि फायर होज 2.1 जो 2.5 इंच वाले हैं वो 100 फिट के 6 हैं, वो फिजिकली आप चेक करें, अगर 6 हैं तो इधर आप 6 लिखेंगे, 5 है तो आप 5 लिखेंगे, और उसकी जगह फिर आप एक पूरा होज करेंगे। आई होप आपको समझ लगी होगी, थैंक यू वेरी मच।